ओम शांति। आज हम बात करेंगे खूबसूरती की मुसीबतें जो दुनिया में आजकल बहुत प्रचलित है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो वर्तमान में एक दूसरे को आकर्षित करने वाला या एक दूसरे को दिखाने वाली चीज़ें। एक्चुअल में खूबसूरती नॉट अ आउटसाइड प्रोफेशन, ब्यूटी इज इनसाइड, ब्यूटी इज अवर माइंड। हम खूबसूरत अपने मन में खूबसूरती लाए, अपने जीवन में अंदर जो है उसको खूबसूरत बनाए, क्योंकि बाहर की खूबसूरती कहते हैं ना, जैसे चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढल जाता है, वैसे ही हमारी खूबसूरती भी उम्र बीतने के बाद एक परिवर्तन हो जाती है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि बाहर की नहीं, बाहर की स्वच्छता तो जरूरी है, स्वच्छता जरूरी है, लेकिन टू मच उसमें लीन हो जाना, अपने शरीर को ही दिन दिन रात उसी का चिंतन करना, उसी के लिए पुरुषार्थ करना, उसी के लिए मेहनत करना, उसी में धन खर्च करना, एनर्जी खर्च करना, ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं है। ये मतलब आप सोचिए ना, हाँ किसी का बिजनेस है, कोई प्रोफेशन है, वो बात अलग है, लेकिन खुद के देह में खुद के शरीर के लिए इतना करना, इतनी सारी चीजें करना। आज हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं जो शरीर के लिए लोग यूज करते हैं सुंदर दिखने के लिए। एक्चुअल में सुंदर खुद के लिए नहीं दिखना चाहता व्यक्ति, दूसरों को दिखाने के लिए करता है। और कहते हैं जो चीज ना दिखावे की होती है वो ज्यादा दिन नहीं चलती है। तो भगवान ने जैसा हमको नेचुरल बनाना था उसने बना दिया, और कहते हैं कि डेस्टिनी जो है निर्धारित है, वो जैसा हमें हमें रूप मिला, जैसा शरीर मिला, वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें परफेक्ट मिला है, हमें जो रोल मिला है वो हमारे हिसाब से परफेक्ट मिला है। हाँ करना है तो कुछ ऐसा जीवन में कर जाओ कि हमारे न रहने के बाद भी हमारे को लोग याद रखें, हमारी स्मृति रखें लोग, वो है असली खूबसूरती। असली खूबसूरती वो है जो हम लोगों के लिए करें। तो यहाँ से कुछ एक पॉइंट हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि जिन आज दुनिया का अगर ज़्यादा ही गर्त हाल हो गया है, दुष्कर्म आज बढ़ रहे हैं न्यूज में, कितनी हम दिनचर्या में अगर आप देखें तो न्यूज में देखें तो दुष्कर्मों की हैं, कहीं रेप है, कहीं कुछ है, कहीं किडनेपिंग है, कहीं कुछ है ना, कितनी अश्लीलता है पेपरों में कहो या टेलीविजन में कहो, जो भी आजकल हमारे है ना फैशनों का देखो कल्चर क्या हो गया है। एक वो भी समय था जब घर की बहू बेटियां घूंघट में हुआ करती थी, है ना। आज भी मुस्लिम धर्म में ऐसी मान्यताएं हैं कि जब वो उनकी मुस्लिम धर्म में फीमेल जो भी निकलती हैं घर से तो वो अपने सारे शरीर को ढक के निकलती हैं, आज भी उनमें ये मान्यता चली आ रही है। लेकिन कुछ एक धर्म में, कुछ एक जातिवाद में, कुछ एक जगह पर बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। वैसे परिवर्तन तो हर जगह हो गया है, कहीं कहीं अभी भी चल रहे हैं वो कल्चर पुराना, लेकिन अभी ज़्यादातर 80% पूरे वर्ल्ड में सारा कल्चर चेंज हो चुका है। तो उसमें कुछ बात करेंगे जैसे कि वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है। पहला पॉइंट वेस्टर्न कल्चर, हम अपने कल्चर को भूल के दूसरे के कल्चर को अपने जीवन में ला रहे हैं, जबकि वो लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। आज देखो तो मोस्टली जो वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न लोग हैं वो भारत से सीख के गए। बहुत हमारे धर्मशास्त्र जो हैं भारत के, जब अंग्रेजों ने कब्जा करने से पहले सबसे पहले हमारे धर्मशास्त्रों को नष्ट किया, हमारे गुरुकुलों का नष्ट किया, क्योंकि हमारे गुरुकुलों और धर्मशास्त्र में एकता का पाठ था। अभी अनेकता का हो गया है, अभी स्कूल हो गए हैं, कोएड स्कूल हो गए हैं, बॉयज गर्ल्स एक साथ, तो पढ़ाई कम और बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा होने लगी हैं, माँ बाप को फिक्र बढ़ने लगी है। पहले एक समय था कि गुरुकुल में भेज के बच्चे को और माँ बाप निश्चिंत होते थे, लेकिन आजकल बच्चे को घर से बाहर निकलते ही चिंता होती है माँ बाप को। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन हो गया है, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम हो गया है, आकर्षण दूसरों को आकर्षित करने के लिए आजकल पढ़ाई पढ़ी जा रही है, कोई भी चीज़ हो
अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए हम कोई भी चीज सीख रहे हैं। एक्चुअल में ब्यूटी हमारी इनसाइट हो, हमारे विचारों में हो, हमारे संस्कारों में हो, हमारे कर्मों में ब्यूटी हो। हम ऐसे कोई कर्म करें जिससे लोगों को दूसरे की हित हो, अनहित ना हो। हम ऐसी चीजें करें, हम अपने मन को इतना सुंदर बनाए कि किसी की गलती, किसी की कमी कमजोरी, कालापन किसी आत्मा का हमको ना देखे, टच ना करे। तो हमें बनना है, सुंदर बनना है, विचारों में सुंदर बनना है। आज हम दुनिया भर की आत्माएं महात्मा गांधी को याद करती, स्वामी विवेकानंद को याद करती, जो महान लोग होके गए हैं, एल्वा एडिसन को याद करती, उनको क्यों याद किया जाता है? क्या बहुत वो ब्यूटीफुल थे? है ना? तो दुनिया में, आप विश्व में भी उन्हीं हर व्यक्ति को सदा काल के लिए याद किया जाता है जिन्होंने कुछ अच्छा किया। मदर टेरेसा कौन सी खूबसूरत थी? मदर टेरेसा को याद करते हैं, कितनी दुनिया में महान हस्तियां, उन कल्पना चावला को याद करते हैं जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ ऐसा काम किया जो लोगों के काम आया। तो दुनिया में उसी को याद रखा जाता है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जी के जाता है। और कहते हैं ना कि जी के लोग साधारण लोग होते हैं जो वो जी के पढ़ते हैं, जी के जनरल नॉलेज, और जो महान आत्मा होते हैं वो जी के बनाते हैं। तो हमें भी सोचना है कि हम जी के पढ़ने वालों में से हैं या बनाने वालों में से हैं। और बना वही सकता है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कुछ करे। तो पहला है वेस्टर्न कल्चर, दूसरा है फैशन। आजकल माँ बाप भी अपने बच्चों को इतना ध्यान नहीं देते, इतना केयर नहीं करते, क्योंकि माँ बाप भी खुद उसमें लिप्त है। तो कहते हैं ना कि अगली पीढ़ी, कुछ समय के बाद की पीढ़ी, माँ के आंचल का शौक कहाँ से लाएगी, क्योंकि जीन्स पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी। तो आजकल जो कल्चर है वो बहुत फैशन का। देखो आजकल अगर दुनिया में लोगों का हर किसी की दृष्टि सही नहीं है, दृष्टि वृत्ति क्यों चंचल हो जाती है, क्यों परिवर्तन हो जाता है? क्योंकि मान्यता बदल गई है, संस्कार लोगों के बदल गए हैं। आप ऐसे कपड़े पहनोगे कि दूसरे को देख के कुछ, क्योंकि सिनेमा और दुनिया भर की चीजें लोग देख देख के कितना उनके अंदर, कितनी मनोवृत्तियां, आसुरी उनके अंदर गुण आ चुके हैं। जो कहते हैं ना, रावण एक ही नहीं था, आजकल तो हर जगह रावण है। रावण कोई व्यक्ति नहीं था, रावण एक संस्कार था जो पराई स्त्री को या किसी को देख के जिसमें वासना उत्पन्न हो जाती है उस हर व्यक्ति को। आजकल तो हर व्यक्ति के अंदर वो सारी चीजें बेकार समायत है। सिर्फ उनके 10 सिर रावण के दिखते थे, इधर दिखते नहीं है। अंदर हमारे बेकार भरे हुए हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, पांच पांच स्त्री के, 5 पुरुष के हो गए 10 सिर। कोई स्थूल रावण वो नहीं है, रावण तो हमारे रावणी संस्कार है, आसुरी संस्कार, उनको रावण कहा जाता है। तो हमारा फैशनेबल आजकल दुनिया में देखो कितना फैशन, मतलब जो है हमारे दिलों का साइज छोटा हो रहा है और कपड़ों का साइज भी वैसे ही छोटा होता जा रहा है ना? पहले एक समय था कि इतना रोम भी किसी का नहीं दिखता था, ऐसे कपड़े पहने जाते थे, ऐसा निकलते थे किसी की नजर भी ना पड़े। और आज देखो तो कपड़े की कमी आ गई हो जैसे, है ना? तो ये है फैशन। तो हमें भी ऐसा फैशन नहीं अपनाना है। और लोग इतनी फैशन के चक्कर में, इतने टेंशन में, घर की हालत देखे तो कुछ और फैशन में इतना पैसा बर्बाद, इतना समय एनर्जी, पूरी मेहनत ही उसी के लिए की, ऐसा हो गया है। तो हमें कहीं ना कहीं हम दूसरों को कॉपी करते हैं, अपने आप की नहीं सुनते हैं, अपने आप को जज नहीं करते हैं, परखते नहीं है। हम देख ही दिखाई, दूसरे को दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हैं। आजकल शादियों, विवाह, तमाम चीजों में आप देखें तो लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बर्बाद करते हैं लोग, और जीवन भर तंगी में। कहते हैं ना कि पहले का जो जीवन था, पहले का जो जीवन चलता था वो मौन पे चलता है, आजकल लोन पे चलता है। कार है, सारी चीजें हैं, लोन पे है, बंगला है, गाड़ी, अरे चाय सही मित्र को। और कहते हैं ना कि जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। ठीक है, मानते हैं, पैर भी फैलाओ आप और चादर भी बढ़ाओ आप, हर चीज करो, लेकिन वो चीज जो हमारे हमारे को कष्टदायक हो वो चीज ना करें। तो
तो ये थी कुछ फैशन की बात। तीसरा है वैल्यू एजुकेशन सिस्टम, जो आज का वर्तमान का है। वैल्यू एजुकेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम बाहरी एजुकेशन तो दे रहे हैं किसी को, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, बड़ी बड़ी IAS, IPS, बड़ी बड़ी पोस्टों में UPSC की तैयारी, SSC की तैयारी, किसी को पुलिस, किसी को कुछ, सारी चीजें जरूरी हैं। बनो, आप बड़ी से बड़ी पोस्ट लो दुनिया की, लेकिन हमारे व्यवहार, कर्तव्य, जो मूल संस्कार हैं, जो वैल्यू एजुकेशन है, जो नैतिक शिक्षा है, उनको विकसित करना जरूरी है ना। संस्कारों का अभाव हो गया है, अभाव के कारण ही मनोवृत्तियां बढ़ रही हैं दुनिया में। आज क्या चीज है, हम कहते शांति की बात करते हैं, लेकिन जो रक्षक है वही भक्षक बन गया है। आज कोई IPS बन गया, कोई कलेक्टर तो बन गया, लेकिन उसके अंदर कितना वो ईमानदार है, वफादार है देश के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति। वो एजुकेशन तो अच्छी हाई ले लिया, लेकिन क्या वैल्यू एजुकेशन है उसके, तो दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या आदर भाव है, सम्मान है, क्या है। और ही पोस्ट बढ़ने के साथ साथ अहंकार भी व्यक्तियों का बढ़ता जा रहा है कि मैं ये, मैं वो। तो वैल्यू एजुकेशन की जरूरत है। फिर है अगला कि जिस सारी विकृतियां जो बहुत तेजी से फैल रही हैं, इसमें दो चीजों का मुख्य रोल है, एक है सिनेमा और एक है मोबाइल, है ना। सिनेमा, टीवी में हम क्या देख रहे हैं, क्या हमको परोसा जा रहा है। एक 3-4 घंटे की हम फिल्म देख रहे हैं, उसमें कितने निगेटिव सीन होते हैं, कितने अश्लील दृश्य होते हैं, कितना ड्रेस फैशन, सारी चीजें लोग युवा हैं, युवा युवती कहाँ से सीख रहे हैं, वहीं से सीख रहे हैं। वहां तो हम देखते हैं हीरो, जो हीरो का पार्ट है वो तो हम कम जीवन में, रियल लाइफ में प्ले करते हैं, विलन का ज्यादा पार्ट प्ले करते हैं। देखते सिनेमा में हैं हम हीरो के रोल को, और पसंद भी हीरो को करते हैं, लेकिन हम अपने रियल लाइफ में विलन का रोल करते हैं एक्चुअल। क्या हमने अपने जीवन में दूसरों के सुखों के लिए कुछ अपने जीवन में त्याग किया, बल्कि दूसरों को त्याग करवाया अपने सुखों के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए। माता पिता की जो हमें केयर करनी चाहिए वो हम नहीं करते, अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए उनको भी डोंट केयर करते हैं, उनको भी कभी कभी तंग करते हैं, उनकी भी भावनाओं को कभी कभी ठोस ठोस पहुंचाते हैं। जरूरी है अपनी भावनाओं को भी उनके सामने रखना, लेकिन ऐसा भी ना हो कि अपनी भावनाओं को इतना स्ट्रांग रखें। अगर कोई सहज, कहते हैं ना कि सहज मिले तो दूध बराबर, मांगने से मिले तो पानी, और छीन ना पड़ जाए कोई चीज तो वो खून बराबर। तो बड़े जो हैं वो हमारे बच्चों का क्या हित नहीं चाहते, वो हित के कारण ही तो वो कुछ बोलते हैं ना। वो हमको आज अनहित लगता है, क्योंकि हमारे अंदर संस्कार झुकाने की, झुकने की अपने आप में वो काबिलियत खत्म हो चुकी है, वो क्षमता, सहन शक्ति की, समाने की, वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि हमने, हमारी दिनचर्या, हमारा माहौल, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मोबाइल में लगे हैं, वीडियो ऐसी दिख रही हैं, तो हम क्या चीज देख रहे हैं वो हमारे अंदर इफेक्ट करेगा ना। इसलिए हम बड़ों को, बातों को, उनकी शिक्षाओं को डोंट केयर कर रहे हैं। देखो ना, आज दुनिया में बुद्धिजीवी लोग बढ़ रहे हैं, फिर भी विनाश की कगार में क्यों पहुंच रहा है, भविष्य खतरा क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसी चीजें छोड़ते आ रहे हैं जिनके कारण कई चीजों का अभाव बढ़ता जा रहा है। हर चीज, मनुष्य तरक्की कर रहा, साइंस तरक्की कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अध्यात्म में वृद्धि नहीं है, अध्यात्म का दमन हो रहा है, और हमारे धर्म का विनाश हो रहा है। हमारे अंदर जो धर्म कहते थे, धरत पर ये धर्म नहीं छोड़िए, अब तो धर्म भी बदल लेते हैं लोग पैसे के कारण। क्या क्या नहीं चल रहा है दुनिया में। एक समय था कि अटल रहते थे, है ना, गुरु नानक सिंह जी जो सिख धर्म के थे, उनको कहते हैं कि उनके बच्चों को दीवार में चुनवा दिया मुगलों ने। क्यों? क्योंकि उनको कहा था कि तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो तो तुम्हें एक शहर का शासक बना देंगे। बोले हम मर जाएंगे लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, अपने कर्म को नहीं छोड़ेंगे, अपने मूल संस्कार को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ जात पात की बात नहीं हो रही है, हमारे मूल संस्कार थे क्या थे,
पहले के हम संस्कार याद करें तो एक आदर था बड़ों के प्रति, एक सम्मान था, रिगार्ड था, रिस्पेक्ट था, आज्ञाकारी थे हम, वफादार थे। नहीं था हमारे अंदर ज्यादा नॉलेज, लेकिन हम अपने कर्तव्य को कितनी दृढ़ता से करते थे। भले छोटा काम करते थे, किसानी करते थे, है ना, कुछ भी करते थे, मजदूरी करते थे, लेकिन एक ईमानदारी थी, वफादारी थी, सच्चाई थी, दूसरे के दूसरा निर्भय था। आज हम घर घर में एक दूसरे सदस्य पर भय है, एक दूसरे सदस्य पर हमें बिल्कुल पूर्णता विश्वास नहीं है, एक दूसरे के रिलेशन में बिल्कुल हम शक रहता है। और कहते हैं दुनिया में हर मर्ज की दवा मिलेगी, लेकिन शक की नहीं मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जब आप एकांत में सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, तब समझ में आएगा कि हम एक्चुअल में क्या है। तो हमें सोचना है, बाहर की सुंदरता बहुत बढ़ाओ, बहुत मेकअप करो, बहुत सुंदर देखो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, है ना, लेकिन हमारे अंदर की सुंदरता भी उतनी ही हो। क्योंकि शरीर की सुंदरता शायद शमशान घाट तक रहे, लेकिन अगर हमारे कर्म सुंदर होंगे, हमारा जीवन दूसरों के लिए सुंदर होगा, तो हमारे जीवन के बाद भी होगा। तो इसी बातों के साथ और मुलाकात करते रहेंगे, और नई नई बातें लेके आते रहेंगे। जीवन में सिर्फ सुनना अच्छा नहीं है, अच्छा धारण भी करना है। सिर्फ सुन के और बस अच्छा अच्छा करना, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हमें अपने अंदर में चेंज लाने हैं, बदलाव लाना है। बदलाव आएगा जब हम करेंगे। तो डू फर्स्ट। सुना तो बहुत है, सुनने के लिए अच्छी अच्छी बात है, बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन हमें करना है, जीवन परिवर्तन करना है, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए सुनते रहना है और बदलाव लाते रहना है। तो अच्छी बात है सुनना है, फिजूल सम कहीं और समय व्यर्थ करते हुए, टाइम वेस्ट करते हुए, मोबाइल का सदुपयोग करें, और जितना उपयोग है जितना है, ज्यादा बाहिया टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि समय भी एक खजाना है ना। कहते हैं टाइम इज मनी, अगर समय पे कोई चीज ना मिले तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। कोई मरीज अगर बीमार है और उसको तुरंत ब्लड नहीं दिया गया, कोई बोले 1 महीने बाद मिलेगा, तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। दवा किसी को समय पे नहीं दी गई तो क्या होगा, है ना। कोई टाइम पे स्टूडेंट एग्जाम में नहीं मिला पहुंचा तो क्या होगा। तो आप बैंक में, आपको कोई लेन देन करनी है, आप समय पे ना पहुंचो, बैंक बंद होने आने के बाद पहुंचो तो क्या मिलेगा। ऐसे ही भगवान का बैंक खुला हुआ है, टाइम इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, भगवान आया हुआ है, उससे हमें सर्व सुखों का वासा लेना है, सर्व प्राप्तियां करना है, भविष्य सुंदर बनाने के लिए हमें कुछ परिवर्तन लाने हैं, और अपने आप को थोड़ा अध्यात्म की तरफ, अपने पूर्व जो संस्कार थे, मूल संस्कार थे, उनको फिर से जागृत करना है। क्योंकि हम हनुमान की तरह हो गए, जैसे हनुमान ना अपनी शक्तियां भूल गया था, फिर उसको जामवर जी ने याद दिलाए, तब उसको याद आया कि मेरे अंदर तो बहुत पावर है। हर एक आत्मा, मनुष्य आत्मा के अंदर बहुत विल पावर है, सिर्फ हम बाह्यात जो ख्यालों में, दुनियावी चक्रों में हम अपने आप को भूल चुके हैं। हमारे अंदर बहुत क्षमता है, खासकर हमारे जो पूर्वज हुए हैं, जो भी हुए हैं, महान आत्माएं हुए हैं, वो उनसे हम याद करें, अपने संस्कार को धारण करें। तो सुनते रहना पड़ेगा, नई नई बातें, कोशिश करेंगे कि नई नई बातें लेके आए। अच्छा, ओम शांति।